हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम एक इंक जेट प्रिंटर, एक इंक टैंक प्रिंटर और एक लेज़र प्रिंटर को कंपेयर करेंगे, यानी इन तीनों प्रिंटर्स के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर आप फ्यूचर में कोई प्रिंटर लेने की सोच रहे हो तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सा प्रिंटर खरीदना चाहिए। मैं जो प्रिंटर अभी यूज़ कर रहा हूँ कंपेरिजन करने के लिए वो है, ये आप जो देख रहे हो, ये है कैनन TS307 इंकजेट प्रिंटर, ये है HP 310 इंक टैंक प्रिंटर और ये है पैंटम P2200 लेजर जेट प्रिंटर। तो आज के इस वीडियो में मैं कंपैरिजन पॉइंट्स के हिसाब से करूंगा और कोशिश करूंगा कि हर एक मेजर पॉइंट को टच कर पाऊं और आपको इन तीनों का डिफरेंसेस बता पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है आपका प्राइस, यानी कि कॉस्ट ऑफ द प्रिंटर्स, कौन सा प्रिंटर आपको कितने दाम में मिलता है। तो अगर हम तीनों प्रिंटर्स के कैटेगरीज की बात करें तो इंक जेट प्रिंटर्स सबसे लोएस्ट प्राइस वाले होते हैं, इसलिए इसे हम लो कॉस्ट प्रिंटर भी कहते हैं। इंक टैंक प्रिंटर्स और लेजर प्रिंटर्स का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है। अगर मैं स्टार्टिंग प्राइस बताऊं सभी प्रिंटर्स का तो लगभग 2000 रुपीज से आपका इंक जेट प्रिंटर शुरू हो जाता है, 8000 रुपीज से आपका इंक टैंक प्रिंटर शुरू होता है, 7000 रुपीज से आपका लेजर जेट प्रिंटर शुरू होता है। तो इन तीनों का प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो कैनन TS307 अप्रॉक्सीमेटली 2800 से 3000 रुपीज के बीच में है, HP 310 इंक टैंक प्रिंटर आपका 8000 टू 10000 रुपीस के बीच में आता है और लेजर प्रिंटर जो कि ये वाला प्रिंटर आप देख रहे हो इसका प्राइस आपका 7000 टू 8000 रुपीस के बीच में आता है। सिमिलरली जब आप हायर मॉडल को जाओगे आपका प्राइस भी उस हिसाब से ही बढ़ेगा, लेकिन सबसे कम दाम वाले इंक जेट प्रिंटर रहते हैं और इंक टैंक और लेजर प्रिंटर आपका कॉस्ट ज़्यादा रहता है और दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सेम प्राइस रहता है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है वेट, यानी कि वजन, कौन सा प्रिंटर कितने वजन का रहता है। तो सबसे लाइट वेट प्रिंटर्स आपके इंकजेट प्रिंटर्स है, जैसा आप देख सकते हो काफी हल्के फुल्के प्रिंटर है। इनसे थोड़े से वजनदार आपके इंक टैंक प्रिंटर्स रहते हैं, ये थोड़ा सा हैवी रहता है, और इससे भी ज़्यादा वजनदार आपका लेज़र प्रिंटर्स रहता है, ये सबसे ज़्यादा हैवी प्रिंटर्स रहते हैं। तो अगर मैं इन तीनों प्रिंटर्स के वेट की बात करूं तो कैनन TS307 का वेट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोज़ है, HP 310 इंक टैंक प्रिंटर का वेट अप्रॉक्सीमेटली 3 किलो है और पैंटम P2200 लेजर जेट प्रिंटर का वेट अप्रॉक्सीमेटली 4.3 kgs है। तो इस हिसाब से सबसे कम वेट वाले इंक जेट प्रिंटर्स रहते हैं, उनसे थोड़े से वजनदार इंक टैंक प्रिंटर्स रहते हैं और उससे भी वजनदार आपका लेजर प्रिंटर रहता है। तीसरा पॉइंट है कौन सा प्रिंटर आपको कब खरीदना चाहिए। तो हमेशा प्रिंटर आपके प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट बहुत कम है तब आप इंकजेट प्रिंटर लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक हफ्ते में 2 या 3 प्रिंट चाहिए या एक महीने में 10 या 20 प्रिंट चाहिए तब आप इस तरह के इंकजेट प्रिंटर्स खरीद सकते हो। अगर उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है तो हमेशा प्रिफर कीजिए इंक टैंक प्रिंटर खरीदने को। इंक टैंक प्रिंटर आपका हैवी प्रिंटिंग सपोर्ट करता है और उसमें भी अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों का रिक्वायरमेंट है तब आप इंक टैंक प्रिंटर लीजिए। अगर आपका हैवी रिक्वायरमेंट है और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट का रिक्वायरमेंट है तब आप लेजर प्रिंटर लीजिए। तो बेसिकली अगर हम कहें तो लो प्रिंटिंग के लिए आप इंकजेट प्रिंटर सिलेक्ट कीजिए, अगर आपका हैवी प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट है और उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट और कलर रिक्वायरमेंट है तो इंक टैंक, हैवी प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट है और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट रिक्वायरमेंट है तो आप लेजर प्रिंटर ले सकते हो। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रिंट एफिशिएंसी, यानी कौन से प्रिंटर से आप कितने नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट कर सकते हो। तो अगर हम इंक जेट प्रिंटर की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 कैट्रिजेस मिलते हैं, एक है ब्लैक एंड व्हाइट कैट्रिज और एक है कलर कैट्रिज। तो उन दोनों कैट्रिजेस में आपका इंक पहले से भरा हुआ रहता है और उस कैट्रिज को आप यूज़ करके अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80 pages ही प्रिंट कर सकते हो, यानी 60 to 80 pages ब्लैक प्रिंट, 60 to 80 pages आपका कलर प्रिंट, उसके बाद आपका कैट्रिज खत्म हो जाएगा। खत्म होने
होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पुराने वाले कैट्रिजेस फेंक कर नया वाला कैट्रिज खरीदिए, या फिर आप पुराने वाले कैट्रिजेस को रिफिल कर सकते हो, लेकिन रिफिल भी आप सर्टेन नंबर ऑफ टाइम कर सकते हो। तो इसीलिए प्रिंट एफिशिएंसी इंकजेट प्रिंटर्स में हमेशा कम रहता है, इसीलिए अगर आपका प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट बहुत कम है तब आप ये वाला प्रिंटर लीजिए। सिमिलरली इंक टैंक प्रिंटर्स के अंदर भी आपका कैट्रिजेस रहता है, लेकिन वो थोड़े से डिफरेंट कैट्रिज रहते हैं, और इस तरह के इंक टैंक प्रिंटर्स को यूज करके आप अप्रॉक्सीमेटली 5000 ब्लैक प्रिंट और 5000 कलर प्रिंट दे सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इंकजेट। सिमिलरली लेज़र प्रिंटर में आपका कैट्रिजेस यूज़ नहीं होता है, आपका इसमें टोनर कैट्रिज यूज़ होता है, जिसके अंदर आपका पाउडर इंक रहता है, और इस तरह के प्रिंटर्स को आप यूज़ करके अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ब्लैक एंड वाइट प्रिंट बहुत ईजिली दे सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है आपका वर्किंग, यानी कि कौन सा प्रिंटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंकजेट के बारे में देख लेते हैं। तो ये इंकजेट प्रिंटर है, इसके जो डोर है उसे हम खोलते हैं, तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे दो कैट्रिजेस हैं, मैं दोनों को बाहर निकाल देता हूँ। तो जैसा मैंने आपको कहा था, इसके अंदर आपको एक ब्लैक कैट्रिज मिलता है और एक कलर कैट्रिज, और इन्हें ही यूज़ करके आप इसमें प्रिंट कर सकते हो। अगर हम पीछे करें तो यहाँ पर आपका कैट्रिज का आउटपुट रहता है, इसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं जो बीच में आप देख रहे हो, एक लंबा सा लाइन है ब्लैक कलर का, और यहाँ पर तीन लाइंस आपको दिखेंगे तीन डिफरेंट कलर्स के लिए, तो उनमें आपका छोटा छोटा माइन्यूट होल्स रहता है जिससे आपका इंक निकल कर प्रिंट करता है। तो जब आप इसे अंदर डालोगे और कुछ भी प्रिंट करोगे तो ये आपका लेफ्ट टू राइट इस तरह से मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, तो मूवमेंट होते ही इसके नीचे से आपका इंक ड्रॉपलेट्स निकलेगा और पेपर में आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह से इंक जेट प्रिंटर्स आपका प्रिंट करता है। अब हम इंक टैंक प्रिंटर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये एक इंक टैंक प्रिंटर है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, HP इंक टैंक 310। तो इसके भी हम डोर्स को खोलते हैं और इसे बीच में लाते हैं। तो यहां पर जैसा आप देखो, यहां पर भी सिमिलर कैट्रिजेस ही यूज होता है जैसे हमारा इंक जेट में था, लेकिन मैं इसे बाहर निकालकर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो अभी जैसा आप देख सकते हो, ये थोड़े से आपके डिफरेंट आपको दिखेंगे, क्यों? क्योंकि कैट्रिजेस के ऊपर आपका देखिए यहाँ पर एक एक स्लॉट दिया गया है जिसके अंदर आपका इंक कंटिन्यूस सप्लाई होता रहेगा। अब क्यों कंटिन्यूस सप्लाई होता रहेगा इस तरह के कैट्रिजेस में इंक? क्योंकि इंक टैंक में आपको साइड में एक टैंक मिलता है, जैसा आप देखो यहाँ पर, और इसमें आप चार डिफरेंट कलर्स को भरोगे, और ये जो चार डिफरेंट कलर्स आप देख रहे हो ये आपका अंदर पाइप के साथ कनेक्टेड होगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ, एक मिनट गाइस। तो अगर आप यहाँ पर नीचे देखो तो ये देखिए यहाँ पर चार डिफरेंट पाइप्स आपका कनेक्टेड है, तो इसी पाइप्स के थ्रू आपके जो कैट्रिजेस है उसके अंदर इंक सप्लाई होता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप इस तरह के प्रिंटर से बहुत ज़्यादा प्रिंट कर सकते हो। एक और चीज़ बता दूँ, जब भी आप कोई इंक टैंक प्रिंटर खरीदोगे तो इसमें इंक भरने के लिए आपको चार डिफरेंट बोटल्स मिल जाएंगे, एक ब्लैक कलर का बोटल, सियान, मजेंटा, येल्लो, जो आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। तो आप उन्हीं बोटल्स को यूज़ करके इसमें इंक भर लीजिए टैंक में, और एक बार भरने के बाद आप अप्रॉक्सीमेटली 3000 से 4000 ब्लैक प्रिंट और 3000 से 4000 कलर प्रिंट कर सकते हो। तो ये है इंक टैंक प्रिंटर का वर्किंग। सिमिलरली आप इसे इस तरह से बीच में लाइए, मैं कोशिश करता हूं इसे कनेक्ट कर सकूं, कनेक्ट कर लीजिए। इसे भी आप इस तरह से कनेक्ट कर लीजिए, और ये जो ऊपर वाला लैच आप देख रहे हो इसे आप अच्छे से बंद कर लीजिए। तो ये क्या है, अभी कनेक्ट हो गया, तो टैंक से आपका पाइप्स में इंक जाएगा और पाइप से आपका कैट्रिजेस में इंक जाएगा, और ये आपका काम कैसे करेगा, सिमिलरली जैसे इंक जेट में काम कर रहा था, ये आपका लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट इस तरह से मूवमेंट होगा, और नीचे से जो पेपर आएगा उसमें ये प्रिंट करेगा। लेज़र जेट का वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा डिफरेंट रहता है कंपेयर टू इंक जेट और इंक टैंक। तो सबसे पहले इसका जो कैट्रिज है, जो टोनर कैट्रिज है, उसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, यह है इसका टोनर कैट्रिज। अगर मैं इंक जेट कैट्रिजेस को कंपेयर करूं इसके साथ, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है। तो इससे इसीलिए आप कम प्रिंट कर सकते हो, लेकिन
इस तरह के टोनर कैटरेज से आप ज़्यादा प्रिंट कर सकते हो, इंक टैंक में भी आप ज़्यादा प्रिंट कर सकते हो क्योंकि आपका पाइप्स के थ्रू इंक सप्लाई होता रहता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पर आपका लेज़र रहता है जो आपके टोनर के ऊपर गिरता है और टोनर के अंदर आपका पाउडर इंक रहता है जो गर्म होकर पिघलता है, पिघलने के बाद आपका पेपर्स में वो लिक्विड होकर प्रिंट करता है। इसीलिए आपने देखा होगा अगर आप इस तरह के प्रिंटर कभी यूज़ किए हो तो प्रिंट निकलने के बाद आपका पेपर थोड़ा सा गर्म रहता है क्योंकि टोनर को पिघला कर लिक्विड बनाकर फिर प्रिंट किया जाता है। तो ये है आपका टोनर कैटरिज और ये तीनों का वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया। तो आपको इसे फिर से अंदर डालना है तो इस तरह से रख के इसे प्रेस कर दीजिए और ये आपका बंद हो जाएगा। नीचे आपका इनपुट ट्रे रहता है, यहाँ से आपका पेपर जाएगा, प्रिंट होकर ऊपर से निकलेगा। सिक्स्थ पॉइंट है आपका पर प्रिंट कॉस्ट, यानी एक प्रिंट का कितना पैसा लगता है इन तीनों प्रिंटर्स में। अगर हम इंक जेट की बात करें तो आपका लगभग ₹5 ब्लैक प्रिंट के लिए, ₹7 कलर प्रिंट के लिए, यानी ₹5 फॉर ब्लैक प्रिंट एंड ₹7 फॉर कलर प्रिंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इंक टैंक की बात करें तो इसमें आपको 10 से 20 पैसे लगता है ब्लैक प्रिंट के लिए, 50 पैसे लगता है कलर प्रिंट के लिए, यानी 10 to 20 फॉर ब्लैक प्रिंट एंड 50 फॉर कलर प्रिंट। सिमिलरली अगर हम लेज़र जेट की बात करें तो इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 लगता है ब्लैक एंड वाइट प्रिंट के लिए, इसमें आपका कलर प्रिंट नहीं होता। तो अगर हम प्राइस की बात करें पर प्रिंट की, तो ये दो प्रिंटर्स में आपका पर पेज कॉस्ट बहुत कम रहेगा, लेकिन इंक जेट में आपका पर पेज या फिर पर प्रिंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। सेवेंथ पॉइंट है आपका मेंटेनेंस। अगर हम इंक जेट की बात करें या फिर इंक टैंक की बात करें या फिर लेज़र प्रिंटर्स की बात करें, तीनों में आपका मेंटेनेंस कम ही रहता है। हर एक चीज़ आपके हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत अच्छे से प्रिंटर्स को हैंडल करते हो तो आपका मेंटेनेंस बहुत कम आएगा या फिर मेंटेनेंस नहीं भी आएगा। एक और चीज़ बता दूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था पहले पॉइंट में, इनिशियल कॉस्ट इंकजेट प्रिंटर्स का बहुत ही कम रहता है, लेकिन लॉन्ग रन में इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, आपको इसके पीछे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। सिमिलरली इंक टैंक और लेज़र प्रिंटर्स में इनिशियल कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन लॉन्ग रन में इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इन दोनों प्रिंटर्स के पीछे आपको पैसा कम खर्च करना होगा। तो गाइज, लास्ट पॉइंट में हम थोड़ा सा प्रिंट क्वालिटी और प्रिंट स्पीड इन तीनों का चेक कर लेते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम इंकजेट प्रिंटर में प्रिंट करते हैं और प्रिंट क्वालिटी और प्रिंट स्पीड को हम देख लेते हैं। तो मैंने अपना फोन कनेक्ट कर लिया है प्रिंटर के साथ। सबसे पहले हम एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करते हैं। तो जैसे ही प्रिंटर शुरू होगा मैं स्टॉप वॉच ऑन कर दूंगा। तो जैसा आप देख सकते हो स्टॉप वॉच ऑन हो चुका है और प्रिंटर शुरू हो चुका है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 10 seconds आपका लगा, 10 seconds 88 milliseconds। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 10 seconds 88 milliseconds। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कलर प्रिंट भी देते हैं और देखते हैं कलर प्रिंटिंग का कितना समय लगता है। ओके, उसके बाद हम प्रिंट। तो जैसे ही प्रिंटर शुरू होगा मैं स्टॉपवॉच ऑन कर देता हूं। देखते हैं कलर का कितना समय लगता है। मैं अपने चैनल का लोगो प्रिंट कर रहा हूं कंप्लीट A4 साइज पेपर में। तो अप्रॉक्सीमेटली 43 seconds 15 milliseconds लगा इंक जेट प्रिंटर में हमें ब्लैक एंड व्हाइट को प्रिंट कलर को प्रिंट करने के लिए। तो चलिए अब हम इंक टैंक में देख लेते हैं। तो चलिए अब हम एक इंक टैंक प्रिंटर में प्रिंट क्वालिटी और प्रिंट स्पीड देखते हैं। तो जो हमने इंक जेट प्रिंटर में जो आउटपुट निकाला था उसे ही मैं स्कैन कर लूँगा क्योंकि इस वाले प्रिंटर में स्कैनर का भाग दिया गया है। तो आप चाहो तो कंप्यूटर या फिर मोबाइल से भी प्रिंट कर सकते हो या स्कैन करके प्रिंट कर सकते हो, तीनों तरीके से आपका जो स्पीड है वो सेम ही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ब्लैक प्रिंट देते हैं।
तो जैसे ही प्रिंटर शुरू होगा मैंने ऑन कर लिया, देखते हैं कितना समय लगता है। तो लगभग इसमें लगा 19 सेकेंड्स। तो इसे हम लिख लेते हैं 19.25 सेकेंड्स। तो अब हम क्या करते हैं, एक कलर प्रिंट भी देते हैं। तो देखते हैं कलर प्रिंट में कितना टाइम लगता है इंक टैंक प्रिंटर्स में। .01 मिली सेकेंड। तो ये हो गया इंक टैंक का। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो लेज़र प्रिंटर है उसे में भी प्रिंट करके देख लेते हैं। तो अभी जैसा आप देख सकते हो लेज़र जेट प्रिंटर भी रेडी हो चुका है। मैं इसका आउटपुट जो है वो निकाल देता हूँ और यहाँ पर हम प्रिंट का बटन जो है उसे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम प्रिंट का बटन क्लिक करेंगे, इसे शुरू हो जाने दीजिए, उसके बाद स्टॉप वॉच जो है उसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा आप देख सकते हो 6 सेकेंड 79 मिली सेकेंड में यह आपका प्रिंट हो गया। तो ये सबसे तेज है, 6.79 सेकेंड्स। तो गाइज इंक जेट में हमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करने के लिए 10 सेकेंड्स लगा, कलर प्रिंट करने के लिए 43 सेकेंड्स लगा, इंक टैंक में हमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करने के लिए 19 सेकेंड्स लगा, कलर प्रिंट करने के लिए 48 सेकेंड्स लगा, लेज़र में हमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करने के लिए 6.79 सेकेंड्स लगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो सबसे फास्ट आपका लेज़र प्रिंटर्स रहता है, उसके बाद इंक जेट प्रिंटर रहता है और लास्ट में आपका इंक टैंक प्रिंटर रहता है। और हम प्रिंट क्वालिटी की बात करें तो जैसा आप देख सकते हो, मैं दोनों कलर्स को थोड़ा सा कंपेयर कर लेता हूँ। तो इंक जेट और इंक टैंक में कोई डिफरेंस नहीं है, जो प्रिंट क्वालिटी है वो सेम ही है। सिमिलरली अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें तो तीनों प्रिंटर्स में आपका ब्लैक एंड व्हाइट का जो आउटपुट निकला वो तीनों लगभग सेम ही है। तो इस तरह से प्रिंट क्वालिटी में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा किसी भी प्रिंटर में, ना ही कलर में आपको डिफरेंस आएगा इंक जेट और इंक टैंक में। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने जितने भी पॉइंट्स कहे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझा सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।